जो है एम्स 2013 में पूछा गया है. इन द गिवन पेडिग्री देर इज इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ टू फैमिलीज, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर. यहाँ दो पेडिग्री चार्ट दी हुए, फैमिली वन एंड फैमिली टू, और इन्हें मुझे देख के बताना है कि डिजीज इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है. तो फर्स्ट फैमिली के अंदर अगर मैच करें, फैमिली हैज थ्री डॉटर्स टू सन. अब देखो ए फैमिली के अंदर थ्री डॉटर है क्या, बिल्कुल सही है, और दो सन है क्या, सही है. चलिए फैमिली ए हैज थ्री सन्स एंड टू डॉटर्स, तो ये गलत हो जा रहा है. फैमिली ए के अंदर थ्री सन तो नहीं है, दो डॉटर नहीं है, गलत. आप देख सकते हो पेडिग्री में कि यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन में वहाँ तीन डॉटर्स हैं और दो सन है. तो फर्स्ट तो फुलफिल हो रहा है कि पेडिग्री हैज थ्री डॉटर्स, तो थ्री डॉटर्स हैं, और टू सन है तो टू सन है. तो सेकंड फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि फैमिली ए के पास थ्री सन तो नहीं है. फिर आइए फैमिली ए हैज होमोजाइगस पेरेंट, तो फैमिली ए जो होगा वो होमोजाइगस पेरेंट हो सकते हैं क्या, तो होमोजाइगस पेरेंट तो नहीं हो सकते कि अगर वो मान लो पेडिग्री डोमिनेंट है तो भी क्या हो सकता था, डिजीज के लिए हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस लिखते हैं, और नॉर्मल के लिए इसमें तो नहीं पॉसिबल है. अगर रेसेसिव होता तो भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि रेसेसिव के लिए डिजीज के लिए स्मॉल स्मॉल है कंडीशन, और उसके लिए आपको हेट्रोजाइगस लिखना पड़ता है. मतलब किसी भी केस में क्या हो रहा है, होमोजाइगस तो नहीं हो सकते. फैमिली हैज वाई लिंक डिसऑर्डर, फिर से फीमेल डिजीज दिखा है और मेल और फीमेल दोनों डिजीज आ रहे थे, ऑटोसोमल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. जबकि वाई लिंक्ड क्या होता है, मेल टू मेल इनहेरिटेंस दिखाता है. तो फर्स्ट जनरेशन में मेल डिजीज होता, सेकंड जनरेशन के सारे मेल डिजीज होते तो पॉसिबल था कि वाई लिंक डिजीज हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के हिसाब से चले तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि फैमिली ए के पास क्या है, तीन डॉटर्स और दो. नेक्स्ट